हैप्पी मॉर्निंग। आप लोगों को पता ना मैं कबीर जी को कितना फॉलो करती हूँ, कितना मानती हूँ मैं उन्हें। तो मैंने नेट में सर्च किया और मुझे एक बुक मिली, कबीर सागर, जो कबीर जी के ऊपर ही है। तो मैंने वो बुक मंगवाई है और जो मेरे पास आ गई है, और वो काफी मोटी, काफी थिक बुक है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं उसको, मैंने मतलब अभी तो मैंने ऊपर से फटाफट देखा है, तो मोस्टली वो संस्कृत में लिखी हुई है, कहीं कहीं पे हिंदी ट्रांसलेशन है उसके, बट आई थिंक इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। आई एम श्योर संस्कृत हिंदी से मिलती जुलती ही होती है, तो वो समझ में आ जाएगी। मैंने कुछ कुछ पढ़ने की कोशिश की और मैं आपको जैसे जैसे पढ़ूंगी ना वो बुक, मैं आपको उसके कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट्स हिंदी में बताऊंगी। आई जस्ट होप कि मैं पूरी पढ़ पाऊँ और उसको समझ पाऊँ। मुझे ये ऊपर ऊपर से पढ़ के इतना ही समझ में आया कि ये जो पूरी कबीर सागर है ये दोहे और कविताओं के रूप में लिखी गई है, और मैं इसको समझने की कोशिश करूंगी और मैं जितना भी इसको समझ पाऊंगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो इसको समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं इसका साथ साथ में हिंदी ट्रांसलेशन भी चेक कर रही हूँ नेट पे और साथ साथ उसको भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं जितना जितना सार निकाल पाऊंगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो मुझे जो स्टार्टिंग की लाइंस मिली है वो ये है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। गुरु बिन काहू ना पाया ज्ञाना, ज्यो थोथा मुझ छड़े मुड़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़िए जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। कबीर नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झक मार। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया है कि जो परमेश्वर का ज्ञान है वो जानना इतना आसान नहीं है। वो आप तभी जान सकते हैं जब परमेश्वर आपकी बुद्धि खोलते हैं और आप पर कृपा करते हैं। सो आई प्रे कि हम सब पे कृपा करें और मैं ये कबीर सागर पढ़ पाऊँ और समझ पाऊँ और आप तक भी पहुँचा पाऊँ।